जन्मदिनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। सर्वप्रथम सुलभ पब्लिक स्कूल के बच्चे मार्च पास्ट करेंगे।
इधर मत देखो, उधर देखो। ऐसे रखिए मैम, एक बार आप समक्ष देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत दो शब्द रखने जा रहा हूँ। महामहिम श्री राष्ट्रपति जी आकर ध्वज फहराते हैं, तोपों से गोले दगते हैं, यान पुष्प बरसाते हैं, दिल्ली सजती दुल्हन जैसी चारों ओर प्रकाश है, राष्ट्र आज गणतंत्र मनाता जनगण मन उल्लास है। स्वाधीनता सभी को अच्छी लगती है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, सोने के पिंजरे में बंद पंछी भी गा उठता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, उन्हें कनक तीलिया पसंद नहीं है, उन्हें पिंजरे में दिया गया स्वादिष्ट खाना अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो स्वच्छंद उड़ान भरते हुए कटुक निगोरी पसंद है। पराधीनता एक अभिशाप है, इसलिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश पराधीनता के पिंजरे से मुक्त हो गया। हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था, परंतु अभी यह आजादी अधूरी थी। 26 जनवरी 1950 को यह आजादी तब पूर्ण हुई जब भारत का अपना संविधान लागू किया गया। तब से प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। आज हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे लिए गणतंत्र दिवस एक त्योहार से भी बढ़कर है, हमें अपने गणतंत्र का सम्मान करना चाहिए। जिस समय देश को स्वतंत्र करवाने की आवश्यकता थी, हमारे देश के देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलवाई। जब देश को स्वयं अपना शासन चलाने हेतु अपने संविधान की आवश्यकता थी, तब हमारे देश के विद्वत जनों ने संविधान रचकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया। अब हमारी युवा पीढ़ी की बारी है अपने देश प्रेम का परिचय देने की। इतने अथक प्रयासों से मिली इस आज़ादी को बरकरार रखना अब हमारा दायित्व है। दोस्तों आओ आज हम सब गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के अवसर पर प्रण करें कि देश में फैली गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अशिक्षा, अस्वच्छता जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। मैं अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हूँ कक्षा पांचवी की शिवानी। परम आदरणीय संस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, शिक्षक गणा, उपस्थित सज्जनाश्च, शिवानी नामनी अहम पंचमी कक्षाया छात्रा भवताम मध्य गणतंत्र दिवसस्य महत्त्वं प्रस्तुमि। अस्माकं देशे 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य पञ्चदशे दिनांके स्वतंत्र अभवत्। परंतु तदानीमपि स्वकीयं संविधान न आसीत्। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदयानां अध्यक्षतायां संविधान निर्माणाय एकस्य परिषद स्थापना अभवत्। यदा संविधान निर्माण कार्य समाप्तं भवत् तदा संविधानम् अंगीकृत्य देशे 1950 जनवरी मासस्य
26 दिनांके भारत देश प्रजाप्रभुत्वम राष्ट्रमिति खुशीतुलता अतः अयम दिवस बहु महत्वपूर्ण विद्यते। अस्मिन् दिवसे सर्वासु शिक्षण संस्थासु ध्वजोत्तोलनं भवति, विविधा कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, राष्ट्रगानं क्रियते, मिष्टान्नादीनां वितरणं च क्रियते। सर्वेषु अद्भुतः आनन्द उत्साह देशभक्ति दृश्यते। अयम् उत्सवः दिल्ली नगरे महता उल्लासेन हर्षेण च सह मान्यते। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रस्य नाम्ना सन्देशः प्रसारयति। अस्य उत्सवस्य सर्वेपि कार्यक्रमाः रेडियो दूरदर्शन प्रभृति यन्त्राणां माध्यमेन समकेऽपि देशे श्रव्यन्ते दृश्यन्ते च। जयतु भारत। आपका धन्यवाद मित्र। अब अंग्रेजी में हमें अपने विचारों से भाव विभोर करने आ रहे हैं कक्षा आठवीं के हिमांश भारती। फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स, प्राइड इन आवर हार्ट एंड मेमोरीज इन आवर सोल, लेट्स सैल्यूट आवर नेशन ऑन रिपब्लिक डे। Good morning everyone. Today we all have gathered here to celebrate 71st Republic Day of India. Today I, Himansh Bharti of Class 8, would like to speak few words about Republic Day, which is a very special day for all Indian citizens, and I wish you all a very happy Republic Day. India celebrates the Republic Day every year on 26th January. Because of this day, India was declared as the Republic country, as well as Constitution of India came into force after long years of struggle. India got independence on 15 August 1947 and a 2.5 years later it became a democratic republic country. Republic Day in India has a great importance in the history as it tells us a lot about each and every struggle of our great Indian freedom fighters. Republic means the supreme power of the people living in the country. It means that only the public in the living in the country has the right to elect their representative as the political leader to lead the country in a right direction. Our great Indian freedom fighters have struggled a lot to the Purna Swaraj. In India, we should never forget their sacrifices. It had become possible just because of them that we can think from our mind and live freely in our nation. There is also a big exhibition of Indian tradition and culture, takes place by different Indian states to show unity and diversity in India. Before ending this speech, I would like to thank you all to give me this chance to express my feelings on this auspicious day. Jai Hind! धन्यवाद मित्र। अब मैं पद्मश्री श्रीमती उषा शर्मा जी से आग्रह करती हूँ, कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सभी को मेरा नमस्कार और सबसे स्पेशल से नमस्कार मेरे सर को और मेरे मैडम को, क्योंकि साहब नहीं होते तो आज मैं आपके सामने खड़े इतनी खुशी भी नहीं होती, क्योंकि वैसे तो मेरी खुशी है, आपको पता है कि 2003 से मैं खुशी रहती हूँ, लेकिन अब मेरी दिन पे दिन खुशी बढ़ती जा रही है। जैसे कि देखिए, वैसे मेरा मान सम्मान हो ही रहा था, साहब हर जगह पर अपना नहीं हम लोगों का कराते थे, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ अलवर में, जहाँ मेरे पहले कभी किसी ने कोई मान सम्मान नहीं करते थे, लेकिन आज ये कि हर जगह पर मुझे बुला रहे हैं, हर जगह मान सम्मान दे रहे हैं। जब से मैं केबीसी में गई एकदम ऐसे फैली हुई छाई हुई हर जगह पर, हर जगह चली जाती हूँ तो माँ ही मुझे पकड़ लेते, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब देखिए, अब भी मुझे कल से ज़्यादा और ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आज तक ना ऐसा गुण किसी को नहीं मिला जिसे तुम लेने के लिए जा रही हो, लेकिन सब ये हमारे डॉक्टर पाठक जी की वजह से मुझे मिला है, इन्हीं की मेहनत है। क्योंकि देखिए, जैसे कि गांधी जी ने एक सपना देखा था कि भाई ये एक इसके अंदर बिल्कुल काम खत्म हो जाना चाहिए मेला ढोने का, लेकिन वो तो चले ही गए आधे में छोड़ के, लेकिन जो हमारे बीच गांधी जी बैठे हैं ये आज पूरा कर रहे हैं वही काम। तो मैं मेरे सबको से दुआ देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे साहब को। मेरे पास सर शब्द नहीं है कि आपके लिए कहने के लिए, मेरे ना आज मेरी खुशी का मारे मेरा बहुत जी ऐसा हो रहा, रात को भी सर पौने 12 बज गए मुझे, क्योंकि पत्रकार वहाँ पर आ रहे थे, पहले एक बार ऐसा था कि मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन आज ही की इतनी बड़ी मुझे पहचान दे दी साहब ने कि हर जगह मुझे बुलाया जा रहा है, इतना बड़े मुझे सरकार से अवार्ड मिल रहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन अवार्ड मेरा नहीं है, ये डॉक्टर पाटिल जी का है, सुलभ का है।
लेकिन सर अलवर मेरे घर वाले तो खैर खुश है नहीं, घर वाले तो होते हैं इस चीज़ से, मेरे सब जेठ देवर सब कह रहे हैं आसपास के लोग कि अरे आज तक ना ऐसी कोई मतलब लेडीज नहीं है, मेला ढोने वाली को इतना ऊंचा उठा दिया, लेकिन इसका कौन का हाथ है, हमारे साहब का, और कोई नहीं ऐसा सोचता था हमारे बारे में, बस सब यही सोचते थे कि भाई यही काम करेंगे और यही काम करते रहे, लेकिन ये कि ये है ना तो हमारी जाति के थे लेकिन अब तुम्हारी जाति के हैं क्योंकि मैं खुद शर्मा हूँ इस टाइम। अभी सर ऐसे में गए थे मंदिर में तो ऐसे लोग बोले जा रहे थे तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई तो मैं तेज तेज से बोल रही थी, तो वो कह रहे आपने कहाँ से सीखा भाई, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा, मैंने कहा पता उन्हें कहाँ से, बनारस के पंडित आए थे लोगों को सिखाने के लिए इतनी दूर के, मैंने कहा अच्छा कौन से पंडित हो तुम, मैंने कहा आप कौन से पंडित हो, तो मुझसे बोले आप वैसे कौन से पंडित, मैंने कहा पाठक जी हैं हम तो पाठक लगाते हैं पीछे कि सर अपने पास आए नहीं, तो मैंने यही बोल दिया और बहुत खुश हुए वहाँ के लोग। लेकिन सर आज देखिए अलवर में हर जगह पर कल से इतने फोन आ रहे मेरे पास, इतने फोन आ रहे कि मैं तो भाई उठाते उठाते परेशान हो गई, मैंने कहा चल भाई आज सब बुला रहे मुझे, सर जी बुला रहे सुलभ में तो ठीक है थोड़ा सा मुझे कम मिल जाएगा इनसे बात करने का, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है कल से इतना फोन आ रहे, इतने वो जो माइक से होते ना इतने मेरे मुँह के आगे लगा दिए कल उन्होंने 12 बजे 12:15 बजे ऐसे कह रहे अरे आ जाइए और आप बात करिए, अरे आप पता नहीं आप समझते नहीं क्या हो, मैंने कहा क्यों भाई इंसान हूँ मैं तो और क्यों हूँ, ऐसे कह रहे आप जानते नहीं पता आप क्या बन चुकी है, एकदम सेलिब्रिटी हो गई हो आप, मैंने कहा ऐसा हमारे साहब के बजाय डॉक्टर पाठक जी हैं जो मेरी जिंदगी बदली है इन्होंने, मैं जैसे बार बार कहती हूँ देखो मैं इसी जीवन में दो जीवन जी हैं, जब मेला ढोती थी तो वो कैसी जिंदगी थी बहुत ही बेकार थी, लेकिन आज जिंदगी में जी रहे हैं एकदम खुल के जिंदगी जी रहे हैं, जैसे कहते हैं खुली हवा में सांस लेना तो उसी तरह से मैं भाई खुली सांस हवा ले रहे हैं, जैसे कि इतना घूट में रहती थी कभी आप देख ले आपके सामने किस तरह से खड़ी और अब मैं यहीं पर नहीं अलवर में इस तरह से रहती हूँ, जहाँ मेरे कोई समझे वगैरह रहते हैं तो इतना तरह मेरे घूट मारते, अब मैं किसी से नहीं मारती हूँ भाई, कोई बात करे तो कर नहीं करना तो नहीं कर, बस मतलब ऐसे रहते मॉडल बनते हैं। लेकिन सब भगवान से कहते बस मेरे सर अच्छे रहे, इनकी जोड़ी सलामत रहे, इनका परिवार अच्छा रहे, क्योंकि ये अच्छे रहते हैं तो सारा सुलभ अच्छा रहता है, हम लोग भी अच्छे रहते हैं, तो धन्यवाद आप सब भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर मनाते हैं, और साफ सफाई के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, रखना चाहिए बिल्कुल अच्छे से सब लोग, जब हम लोग सभी साफ सफाई से रहेंगे तो अपना देश जरूर बदलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि बस अपना देश बदले, और हम लोग तो बदल ही चुके हैं आप देख रहे हो कि ब्राह्मण भी हो गए, लेकिन आप तो मेरे पीछे क्या लगा है सर, क्या लगा सर गुड़ दे रहे हो पद्मश्री, अब बता मुझे तो याद तो सर आपको भी मेरी तरफ से सर मेरा रोड नहीं आपका है, तो सर मैं आपके लिए बोली कांग्रेचुलेशन सर यह रोड आप ही का सुलभ का, धन्यवाद। अपने संस्थापक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि अपने विचारों से हमें भावविभोर करें। सुलभ के सभी मित्रों को जहाँ बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं सब लोग को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज आज देश में गणतंत्र हम जी रहे हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज इस देश के लोग प्रधानमंत्री को ही उल्टी पुल्टी बातें कहने में संकोच नहीं करते, ये प्रकाष्ठा है, प्रधानमंत्री का ऐसा पद होता है उनके प्रति सम्मान से ही बात करना चाहिए और लोग करते हैं, लेकिन अभी देश में
एक तो सही है, एक सही नहीं भी है। तो ये जो स्वतंत्रता है, गणतंत्र दिवस है, इसके परिचायक है कि हम लोग खुल कर से बातें करते हैं। जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो सृष्टि के निर्माण में आप सोचते होंगे कि निर्माण कल हुआ है या कल हुआ था, कल खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सृष्टि के निर्माण जब हुआ, जिस दिन हुआ, जिस समय हुआ, उसका समय, दिन और समाप्त होने का समय, दिन सब निश्चित है और सारी घटनाएं घट चुकी है। सारी घटनाओं का कैप्सूल में वो डाला हुआ है, वो निकलता रहता है। इसीलिए देखेंगे कि आप हर चीज आपके मन के हिसाब से नहीं होता है और हर चीज बिना मांगे नहीं जाता है। इसका मतलब है कि कैप्सूल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मूल विषय है, ये समय नहीं है इसकी चर्चा यहां की जाए, लेकिन ये मूल विषय है। इसका हमने जो अध्ययन किया है उसमें यह है कि जब सृष्टि बनी उसी समय ही सारी घटनाओं का कैप्सूल बना करके उसमें डाल दिया गया है। और अंदाज कीजिए कितनी बार घटनाएं होंगी, और वो खरगोश बदल क्या है उसमें, तो इतनी घटनाओं का, छोटी छोटी घटनाओं का, बड़ी घटनाओं का, तो ये जो है, अब इन घटनाओं का कैसे कैप्सूल गया है, कैसे निकलता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये देखना है कि ये जो है, आप सोचते हो कल बना है, ये घटना कल नहीं बनी, घटना उस बन गई जिसका सृष्टि निर्माण हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है ये समझने का कि अब उषा के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, ये सत्य कथा है। आप सोचते होंगे कि मैंने करवा दिया, मैंने कर दिया, मैंने किसी कह दिया करने के लिए, ये सत्य कथा नहीं है। ये झूठ कथा है कि मैं कहूं कि मैंने करवा दिया है। सत्य कथा क्या है मुझे पता नहीं, कहां से नाम रिकमेंड हुआ, किसने किया और कैसे मिला, सूचना जब उषा जी को मिली होम मिनिस्ट्री से, तो उषा जी ने हमको भी फोन किया। तो ये जानकारी हम लोग को मिली होम मिनिस्ट्री से, हमें पता नहीं था इस बात का। तो ये है कि इसमें हमने कोई भूमिका अदा नहीं की है, लेकिन भूमिका पहले बनी हुई थी। उषा जी को मैदा ढो रही थी और जो व्यवहार समाज से को मिल रहा था उसमें ये संभव नहीं था कि एक समय आएगा जब इनको पंचमी मिलेगा। लेकिन अब इसके सुई से सोचिए, मैं चाहता था प्रोफेसर बनना, उन्हें बना, तो मैं बिहार गांधी जन शताब्दी समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया। वहां सुबह सुचारा का आविष्कार किया हमने, कोई आविष्कार न होता तो शादी सांस मुक्त नहीं। अब वो
आविष्कार हुआ तब जाके फिर फैला वो, और आविष्कार किया बिहार में हमने, लेकिन वो फैला तो दूसरे स्टेट में राज्यों में भी जहाँ रहती है, तो अलवर में भी आविष्कार है जो राजस्थान स्टेट है वहाँ बात फैली। अब ये देखना है कि उषा जी रहती थी अलवर में, अभी रहती भी है, लेकिन और हमने आविष्कार किया बिहार में। तो ये कैप्सूल बन चुका है सर, उषा जी के जन्म से पहले ही वो कैप्सूल बन चुका था। आप सोचते हो कि कैप्सूल आज बना है कल बना है, ऐसा नहीं है, वो तो उषा जी का जन्म के पहले ही वो बन चुका था। वो तो सृष्टि के निर्माण हुआ है, वो विषय है ये, ये समझ लगेगा किसी को समझने में, बैठ के हम अनुभव से बात करेंगे इसको। आपके सिंह भी हैं, समाज जी भी हैं, सिन्हा साहब हैं, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। तो मेरा जो ये आया है, हमने जो किया है कि बहुत से काम होते होते खराब हो जाते हैं, बहुत से काम होते होते खराब होते हो जाते हैं। आदमी एक ही है, ठीक है, तो ये चीज से बड़ा ही गुण है, विषय है कि जो घटनाएं कैप्सूल में आ गई हैं, उतने ही घटनाओं को घटना है सृष्टि में। बहुत सी घटनाएं घटती घटती हो पाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें समझने बुझने का कि जो उषा जी को जो मिला है, अब तक समय नहीं आज के सुलभ ने क्या काम किया, सुलभ सब आपको जानते ही हैं सुलभ के बारे में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो सृष्टि का निर्माण। सृष्टि का निर्माण जो हुआ, उस निर्माण में सृष्टा को उषा जी को एक पुरस्कार मिलेगा, वो सृष्टि के निर्माण में ही दिया हुआ है। कैप्सूल बना के उसमें डाला हुआ है, इसीलिए जो पंडित जो होते हैं जिनको विषय का ज्ञान होता है वो उस बात को निकाल लेते हैं, उनको विद्या से आती है, उसको निकालते हैं। वो जो हम लोग कह रहे हैं डिकोड किया जाता है, तो डिकोड करके बताते हैं भाई ये घटना घटने वाली है, जैसे ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कैप्सूल में है, और पंडित लोग जो है उसको डिकोड करके बताते हैं उसको जिनको आता है। तो ये है दूसरा जिनको मिला है, उसमें जब मेरा हाथ है आपका हाथ है, वो तो जो दियाता है सृष्टि का, जिस सृष्टि की बनाई है उसके कैप्सूल में, क्योंकि इनके जो महिला ढोने के काम और पंशी दोनों को समझ नहीं है, जो महिला ढो रही हो समाज उसका स्थान नहीं हो, जो अलवर के मंदिर में जा सकते थे तो हम गए फिर को मंदिर में ले गए, उस आदमी को उसी शहर में अपन उसी मिल जाता है। अब ये घटना का जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा भाई जो आदमी मंदिर में जा सकता था, मंदिर में जाने के कायदा नहीं था, अनुमति नहीं थी, वह व्यक्ति को जो चार सम्मान है भारत सरकार के, तो उसमें से एक सम्मान है जो मिला है उनको। तो ये सुलभ ने जो काम किया है, और बहुत से काम हुए बहुत से नहीं भी हुए, तो अच्छे हुए खराब भी हो गए, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो सृष्टि है सृष्टि के निर्माण में उषा जी को एक बार से मिलेगा कभी ना कभी, वो दिया हुआ था। क्यों कि जो काम जहाँ जन्म हुआ इनका और जो काम किया इन्होंने, जो काम कर रही थी उसका कोई संबंध पंडित से नहीं, कोई कारण
दिखानी पड़ता है कि पंक्शन को मिलेगा, लेकिन वो तो शिष्य की राह में था ही, मिलना था, आज निकल मिला था। आज मैंने पहले कह दिया साहब साहब कि मैंने कोई भूमिका नहीं अदा की, मुझे सोचना मिली सजाव मिली थी और एक सरे फोन किया हमको कि साहब ऐसे ऐसे फोन आया है, उनका भी लोग बताने के लिए नहीं कि आपको बता दिया हमने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम आप लोग सोचते होंगे और सारी ने कहा कि आपने करवाया, हमने नहीं करवाया, ये झूठ बोलने की हमको जरूरत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, उसानी जी आसानी बगैर स्वागत कीजिए। बात तो यही है और जो हम लोग मेहनत की, जो उसका फल निकला तो बहुत अच्छा निकला कि कोई शांति नहीं सकते सोचा होगा। गांधी राष्ट्रपति अलग अलग नाम दिया है, मैं चाहता हूँ कि महिला राष्ट्रपति हो जाए, कि महिला को पंक्शी मिल जाए गांधी जी का। गांधी ने सोचा था कि महिला राष्ट्रपति हो जाए देश का, ये गांधी सोचा था, पर गांधी को पता नहीं था कि पंक्शी भी मिल सकता है। तो इसलिए गांधी ने इस बात को सोचा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेयर पर लेयर है। मान लीजिए शुरू शौचालय का उसका ना हुआ होता तो फिर बताइए उत्तराधिकार हुआ और उसके कारण तो मिला। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप भी मेहनत करिए, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। हम समझते हैं कि ज्यादा थकाना हमें ठीक नहीं है, क्योंकि आज से उषा जी के साथ लड्डू भी बटेगा, नहीं बटेगा बटेगा, तो उषा जी साथ लड्डू खाइए बैठेंगे। आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, 10 मिनट का है, तो कार्यक्रम को काजू बिठाइए और लड्डू खाइए, ठीक है। और फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः एक बार बधाई सभी लोगों को। बहुत तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सेना और गलत के साथ समझौता करना है। जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। धन्यवाद। मैं ईश्वर चंद्र विद्या सागर हूँ, विद्या सबसे अनमोल धन है, इसके आने मांग से ही सिर्फ अपना ही नहीं अभी पूरे समाज का कल्याण होता है। धन्यवाद। मैं भारत माता हूँ, मेरे वीर सपूत मुझका अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, आप सब भी मुझे साफ रखकर अपना और मेरा गौरव बनाए। धन्यवाद। मैं भगत सिंह हूँ, ना ही मुझे मौत का खौफ है और ना ही लग कर कि शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं, आजादी का रास्ता आजाद ख्यालों से बनता है। धन्यवाद। मैं महात्मा गांधी हूँ, हर व्यक्ति को अपना शौचालय और अपने आसपास की सफाई खुद करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ ना हो तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। धन्यवाद। मैं प्रतिभा पाटिल हूँ, मुझे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल है। धन्यवाद। मैं मदर टेरेसा हूँ, खूबसूरत लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है, शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। धन्यवाद। मैं बाल गंगाधर
रंग हूँ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। Shabbat shalom.
नीचे में भी नीचे, आजाद भी नीचे, आजादी पहले भी नहीं। तो ये है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उनको गरीबों के, निचले के, छोटे के, सबके प्रति क्या ध्यान रहता है। और उषा जी के साथ रहता है, एक बार तो पुरस्कार मिला था ना, तो हाँ सफाई गिरी पुरस्कार मिला था। और ऐसे भी देखते रहते हैं, मुलाकात भी और हुई है, ध्यान में रहा हूँ। और क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जो सबसे नीचे पावदा पर आदमी हो उसको भी ख्याल रखते हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए मेरे ख्याल से धन्यवाद देना हो, ताली बजानी हो, तो प्रधानमंत्री कि शासक ऐसा हो कि जो आदमी हर का ध्यान रखे वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, आपका समय हम लेना चाहते नहीं थे, टेक्नोलॉजी की चर्चा की जाए और फिर डिटेल बताया जाए कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का काम हुआ। तो जो हमने कह दिया कि सिस्टम सब कुछ है, तो समय लगा है उसमें, बड़ी कठिनाई हुई है और उस कहानी दूसरी जगह बताएंगे आपको। ये बड़ी मेहनत से टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका, सरकार ने स्वीकार किया उसको, जनता ने स्वीकार किया और फिर जा कर के तो कुछ प्रगति हुई। तो ये जो उषा जी इस गाँव से निकली, सुलभ शौचालय का आविष्कार ना हो हुआ होता तो शायद कुछ हुआ होता। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि एक प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिष्ठा दी इस पेशे को, इस काम को, कि इसमें लोग थे जो इस काम से उनको प्रतिष्ठा दी, ये हमने काम से पहुँचे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सीधे आया है और दिमाग में पड़ जाए प्रधानमंत्री जी और उषा जी के लिए कभी हो जाती है। और कोई पुरस्कार देना ठीक नहीं है, इसलिए कि पक्षी सिर्फ छुटा हो जाएगा, तो वह जब पक्षी मिल गया तो पुरस्कार कह जाए उनको, ठीक है। तो पक्षी ही जो रहने दीजिए, इंजॉय करें, शुक्रिया, अच्छा जाएगा। सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।